आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, स्टेट यूनिवर्सिटी से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज़ करेगी। अब सैलरी बेस तो आपका सोचो कितना ही अच्छा होगा, उसके अलावा अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। डिटेल वीडियो मैंने कवर कर दिया है तो स्टार्ट करें। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 17 अगस्त, तो टाइम अच्छा खासा मिल रहा है आपको अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की है एंड हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी है। उसकी लास्ट डेट है आपकी 31 अगस्त, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी रिक्रूटमेंट NSDUT से रिलीज करी गई है। टोटल यहाँ पे 200 के अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी रहेगी एंड यहाँ पे तीनों टाइप की पोस्ट है आपकी, असिस्टेंट की, प्रोफेसर की एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर की। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, अनरिजर्व्ड, ये सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फिर आगे की बात करेंगे। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट दे रखा है आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल यहाँ पे आपकी पोस्ट है 67 एंड अनरिजर्व के अंदर ही 22 वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 29 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 15, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में आपकी रहेगी 8 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 6, आर्किटेक्चर में 8, डिज़ाइन में 9, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 9, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपकी रहेगी 3, मैथमेटिक्स में 19, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 6, इंग्लिश में 5 एंड साइकोलॉजी में आपकी 3 वैकेंसी है। तो आपकी असिस्टेंट के अंदर ही 200+ वैकेंसी है। उसके अलावा और भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, लाइक अगर आप एसोसिएट में देखोगे तो भी आपको मोस्टली यही सारे डिपार्टमेंट कवर होते हुए नजर आएंगे, लाइक CSE, ECE, ICE, EEE, ME, BSE, BSE एंड CE, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इसमें भी आपकी 81 डिपार्टमेंट है। एंड सिमिलरली आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी भी रिलीज़ करी गई है, यहाँ पे टोटल आपकी 29 पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, प्रॉपर यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है अपना हार्ड कॉपी कैसे सबमिट करानी है, जो आपका एनवलप होगा उस पर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए एंड सो ऑन। तो वो आपको डिटेल दे रखी है, आप रीड कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपकी असिस्टेंट में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में आप BE, BTech, MEM Tech के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो और डिपार्टमेंट भेज जाते हैं उन सब के लिए आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक नेट या स्लेट, इनके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको एसोसिएट एज वेल एज प्रोफेसर की वैकेंसी भी दे रखी है, तो उसकी भी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी, उनमें आपको एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस PhD भी नेसेसिटी होती है उन दोनों में अप्लाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट आपको दे रखी है एज लिमिट, आपकी असिस्टेंट के लिए 35 है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक ST, OBC एंड PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी। तो ये डिटेल थी आपकी, मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी विजिट करा देती हूँ। अब आती है एप्लीकेशन फ़ीस की बारी, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी जिन्होंने अच्छे खासे चार्ज कर रखी है। जनरल OBC एंड EWS के लिए आपकी 1000 रुपीज़ रहेंगी रजिस्ट्रेशन एंड 1000 रुपीज़ रहेंगी प्रोसेसिंग फ़ीस, तो टोटल हो जाती है 2000। SC ST वालों के लिए 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी टैलेंट्स आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, ये मुझे बहुत बुरा लगा, पर नहीं करेगी तो नहीं करेगी, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इतनी डिटेल आपको दे रखी थी, मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट विजिट करा देती हूँ। NSDUT से जैसे मैंने आपको बताया रिलीज़ करी गई है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये आपकी डिटेल एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक दे रखा है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।